everyone, welcome back to my channel. My name is Shobha. In today's video, I am going to review for a product which is from the brand Mamaearth. And yes, this is a very new launch product from this brand. And if you are new to my channel, please consider subscribing and also press that bell icon next to it so that you will never miss any of my videos. And yes, don't forget to follow me on Instagram and video pe bane rahiyega so that aap logo ko pata chal paye ki ye newly launch product jo ye brand se hai. वो कैसा है एंड यस ये एक सीरम है जिसका रिव्यू मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर ड्यू किए हुए. एंड यस ये जो सीरम है ये जो बोल सकते हो आप Mamaearth का न्यूली लॉन्च रोजहिप फेस सीरम है विथ रोजहिप एंड गोटुकोला. तो आप लोग बोलोगे कि रोजहिप में तो Mamaearth ने इसके पहले भी एक सीरम लॉन्च किया था. यस डियर लॉन्च तो किया था बट वो थोड़ा सा बोल सकते हो उसके इंग्रेडिएंट्स थोड़े से डिफरेंट थे एंड इसके इंग्रेडिएंट्स थोड़े से डिफरेंट थे. मींस वो प्रॉपर रोजहिप नहीं था. मींस हाइलुरोनिक के साथ रोजहिप था इंक्लूडेड एंड ये प्रॉपर बोल सकते हो आप रोजहिप के साथ है. तो ये डिफरेंस है इस दोनों सीरम में एंड ये जो है ये फॉर ग्लोइंग स्किन के लिए है. तो चलिए प्रोडक्ट के बारे में आगे मैं डिस्कस करूंगी. उसके पहले एक बार क्लोज लुक ले लेते हैं प्रोडक्ट का कि प्रोडक्ट कैसा है उसकी पैकिंग वगैरह कैसी है. तो चलिए तो देख सकते हैं ये प्रोडक्ट की आउटर पैकिंग ऐसे ये कार्डबोर्ड जैसे बॉक्स में आती है एज यूजुअल. एंड इसके बैक साइड में आपको इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ किए हैं वो सारे कुछ मेंशन किए हैं उसमें. एंड इसका प्राइस है 499 रुपीज़ एंड इसकी सेल्फ लाइफ 3 ईयर की दी गई है. एंड प्रोडक्ट की जो क्वान्टिटी है वो है 30 ml. तो काफ़ी ठीक ठाक है इस प्राइस में. एंड इसके दूसरे साइड में आप देख सकते हैं टिप्स वगैरह दिया हुआ ग्लोइंग स्किन के लिए एंड इसको कैसे यूज़ करना है. एंड प्रोडक्ट की इनर पैकिंग आप देख सकते हो ये ऐसे वाइटिस ग्लास जैसी बॉटल में है. बॉटल के ऊपर ऐसे ये कैप लगा हुआ था दो सो दैट कि प्रोडक्ट ना लीक ना हो. तो मैंने इसको रख लिया सो दैट जब ट्रैवलिंग करूँगी तो मेरे लिए ये यूज़फुल हो जाएगा. एंड इसके साथ ये ऐसे दिया हुआ है आपका ड्रॉपर. आपको ये विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर अप्लाई करना काफ़ी ईजी हो जाएगा एंड ये काफ़ी ठीक है. इसकी जो पैकिंग वगैरह ठीक ठाक दी गई है आप लोगों ने देखा पैकिंग वगैरह सारी इसकी काफी अच्छी है. मींस ऑल थॉट जैसे Mamaearth के सारे प्रोडक्ट की पैकिंग होती है कार्डबोर्ड जैसे बॉक्स में वैसे ही है इसकी. कुछ वैसा कुछ डिफरेंस नहीं है. एंड चलिए आप प्रोडक्ट के बारे में डीपली बात करते हैं कि ये सीरम में क्या ऐसा इंक्लूडेड है एंड इसको अप्लाई कौन से स्किन टोन वालों को करना चाहिए एंड क्या बेनिफिट होगा एंड इसको कब अप्लाई करना चाहिए. तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं ये जो सीरम है जिनकी भी अगर स्किन थोड़ी सी बोलते ना आपको डल लगती हो ड्राई लगती है आपको लगता होगा कि आपकी स्किन थोड़ी सी ग्लोनेस लैक कर रही है तो ये वाला सीरम डेफिनेटली गाइज उन लोगों के लिए ही है. बिकॉज समटाइम ये मुझे भी फील होता है कि यस माई स्किन नीड समथिंग जो कि ग्लो लाए एंड ग्लो कौन नहीं चाहता अपनी स्किन पे. आई थिंक हर कोई चाहता है कि उनकी स्किन ग्लोई हो शाइनी हो. मीन्स हर गर्ल्स का ये ड्रीम बोल सकते हो आप. तो ये वाला सीरम जिनको भी अगर ऐसी वाली इश्यू होती होगी बेसिकली ये उनके लिए है तो वो लोग ये वाला सीरम बिल्कुल यूज कर सकते हैं. एंड अगर बात करूँ ना कि रोजहिप सीरम लगाने के क्या बेनिफिट है इसके पहले मैंने गुड वाइफ ब्रांड का रोजहिप सीरम अप्लाई किया था तो मेरे को वो भी काफी पसंद आया था एंड मेरे स्किन को काफी ज्यादा सूट किया था. एंड आई थिंक रोजहिप जो होता है ना जिनकी भी स्किन ड्राई हो उनके लिए काफी अच्छा वाला होता है. मीन्स ड्राई स्किन वालों के लिए रोजहिप इन्फ्यूज चीजें जो होती है वो काफी अच्छी होती है. साथ साथ में वो आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है. रोजहिप इन्फ्यूज चीजों का ये एक बेनिफिट होता है कि अगर आप कोई भी क्रीम लगा रहे हो या बोल सकते हो आप शीट मास्क अप्लाई कर रहे हो अगर उसमें रोजहिप तो जिनकी ड्राई स्किन होती है आई थिंक उनके लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है. एंड चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो सीरम है इसमें मेन की इंग्रेडिएंट्स क्या मिक्स किए हुए हैं. इसमें 3 मेन की इंग्रेडिएंट्स यूज किए हुए हैं जो कि है आप लोग को पहले नेम से पता चल रहा हो कि रोजहिप एंड गोटुकला. यस इसमें रोजहिप एंड गोटुकला के साथ साथ कैस्टर ऑयल भी मिक्स है. जैसा कि कैस्टर ऑयल हमारे हेयर के लिए काफी अच्छा मीन्स हेयर ग्रोथ के लिए हेयर को शाइनी बनाने के लिए काफी हेल्पफुल होता है. साथ ही साथ इसका सेम फंक्शन हमारे स्किन के लिए भी होता है फेस के लिए भी होता है. तो ये आपके स्किन को हाइड्रेटेड रखता है ग्लोनेस प्रोवाइड करता है आपके स्किन को ड्राई नहीं होने देता है. एंड साथ साथ में ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है. एंड अगर आपके स्किन पे कोई स्पॉट्स हो या फिर बोल सकते हो आप कोई मार्क्स वगैरह हो तो ये धीरे धीरे करके प्रमोट करता है उसको रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है. एंड साथ साथ में एक अच्छा वाला बोल सकते हो आप आपके स्किन पे एक मॉइस्चर लेवल भी बना के रखता है. तो कैस्टर ऑयल काफी अच्छा होता है स्किन के लिए. एंड चलिए अब बात करते हैं कि ये जो गोटुकोला है इसका क्या बेनिफिट है. ये हमारे स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है उसको मेंटेन करने में काफी हेल्पफुल होता है. साथ साथ में जो बोल सकते हो आपके स्किन की जो कोलेजन प्रोडक्शन होता है उसको भी ये स्टिमुलेट करता है. एंड साथ साथ में ये एक बोल सकते हो आपके स्किन पे अच्छी वाली हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है बिकॉज इसमें एक एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है.
तो ये आपके स्किन पे अगर बोल सकते हो आपको थोड़े से अगर पिंपल्स वगैरह की भी इश्यू हो या दाने आ जाते हो तो ये उसको भी रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। एंड यस, लास्टली मैं रोजहिप के बारे में बताऊंगी। ये जो रोजहिप होता है, ये जो रोज होता है ना, उसके बाद जो उसकी सीडलिंग्स रह जाती है ना, ये उसको इन्फ्यूज करके ऑयल बनाया जाता है या फिर बोल सकते हो उसकी पल्प को भी यूज किया जाता है कुछ कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स में। ये आपके स्किन को सॉफ्ट सपल बनाने में काफी हेल्पफुल होता है, साथ साथ में आपके स्किन पे जो पिगमेंटेशन वगैरह होती है उसको रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है एंड आपके स्किन पे एक ब्राइटनेस भी लाता है। तो यस, मुझे रोजहिप वाला सीरम बहुत ज्यादा पसंद है। मैं इसको इस करके ही परचेज की हूँ कि एक तो ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, दूसरा रोजहिप इंक्लूडेड मुझे मिला बिकॉज मैं जब गुड वाइब्स का यूज की थी तो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया था एंड मैं अभी भी एक गुड वाइब्स का प्लस रेंज में परचेज की हूँ रोजहिप, एंड उसका भी रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलो, ये भी रोजहिप के साथ है तो काफी अच्छा है। अगर आप लोग इसको यूज करना चाहते हो तो डेफिनेटली यूज कर सकते हो, काफी अच्छा है। मैंने इसको 1 वीक यूज किया है, 1 वीक पहले मैंने इसको परचेज किया था, बहुत टाइम नहीं यूज किया बट यस, रिजल्ट मेरे को अच्छा लगा। एंड यस, ये जो सीरम है इसको आप दिन में 2 बार अप्लाई कर सकते हो, इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, एंड जिनकी भी एज 15+ हो वो डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हैं, मैन वुमेन दोनों ही यूज कर सकते हैं। एंड ये जो सीरम है इसको आप अप्लाई करने के साथ साथ सनस्क्रीन भी बिल्कुल अप्लाई करें। एंड यस, मैं ये भी बताना चाहूंगी, सिर्फ आप जब मेकअप प्रोडक्ट या स्किन केयर प्रोडक्ट लगाओगे तो उससे आपकी अपर या बोल सकते हो आप आउटर ब्यूटी इनहेंस होगी, बट इनर ब्यूटी इनहेंस करने के लिए आपको एक अच्छा डाइट फॉलो करना होगा, पानी बहुत ज्यादा पिए आप, तो उससे क्या होता है कि आपकी स्किन बिल्कुल ग्लो होती है एंड साथ साथ में बोलते हैं ना, डाइट अच्छा लोगे तो स्किन पे उसका असर बिल्कुल से दिखेगा। एंड यस, नींद पूरा ही करे, एटलीस्ट 8 आवर का नींद तो जरूर ले। ये मैं बोल रही हूँ बट मैं खुद नहीं लेती हूँ, मैं कोशिश तो करती हूँ बट क्या करूँ, नहीं हो पाता है। बट यस, मैं जरूर सजेस्ट करूंगी आप लोगों को कि 8 घंटे की नींद, अगर आप लोग के लिए भी पॉसिबल हो तो बिल्कुल 8 घंटे की नींद लिया करें। एंड ये जो सीरम है स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग अपने स्किन पे नेचुरली ग्लो चाहते हैं एंड चाहते हैं कि उनकी स्किन हो वो बिल्कुल डीपली मॉइस्चराइज हो, एंड आपके स्किन पे अगर ग्लो लैक कर गई हो तो वो बैक हो जाए आपके स्किन पे, तो ये बिल्कुल उसके लिए है। एंड साथ साथ में स्किन को हाइड्रेटेड भी करेगा बिकॉज ये जो है गुडनेस ऑफ रोजहिप के साथ इसको बनाया गया है। तो ये वाला स्पेशली जिन लोगों को अगर ऐसी वाली प्रॉब्लम हो तो ये वाला सीरम आप लोग बिल्कुल परचेज कर सकते हो। एंड ये वाला जो फेस सीरम है इसमें विटामिन ए, विटामिन सी एंड रोजहिप है, मोस्ट प्रोबेबली रोजहिप ही इसमें ज्यादा बोल सकते हो, जो कि आपके स्किन को सॉफ्ट बनाएगा, सपल बनाएगा एंड साथ साथ में ग्लोइंग भी बनाएगा। एंड इसमें जो गोटुकोला है वो जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो आपके जो कोलेजन प्रोडक्शन है उसको स्टिमुलेट करेगा, एंड अगर आपका कोलेजन प्रोडक्शन अच्छा रहेगा ना तो आपकी स्किन वैसे भी बिल्कुल अंदर से ग्लोई दिखने वाली है, हाइड्रेटेड दिखेगी एंड साथ साथ में आपकी स्किन बोल सकते हो ना वो लूज और रिंकल वाली नहीं दिखेगी। एंड गोटुकोला जो है वो एक आयुर्वेदिक लिप्स बोल सकते हो आप, उसका ऑयल को इसमें इन्फ्यूज किया हुआ है जो कि आपके स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करने में काफी हेल्पफुल होता है, मीन्स फर्म बनाएगा आपकी स्किन को, टाइट दिखेगी आपकी स्किन। एंड ये कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने में भी काफी हेल्पफुल होता है एंड साथ साथ में हाइड्रेशन तो प्रोवाइड करता है स्किन में, तो बिल्कुल से ये वाला आप लोग बिल्कुल ले सकते हो। इवन ऑल स्किन टाइप है ये वाला भी, बट मेरे को जहां तक लग रहा है क्योंकि मेरी जो है वो टी जोन ऑयली है, बाकी मेरी ड्राई है, मीन्स बोल सकते हो मेरा कॉम्बिनेशन स्किन टोन है, तो मेरे को बहुत ज्यादा ये सूट किया है। तो जिनकी भी अगर कोई भी स्किन टोन हो आप लोग बिल्कुल यूज कर सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एंड चलिए, अब आप लोग को ये भी शो करती हूँ कि इस प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, उसके पहले मैं अपना मेकअप रिमूव कर लूँ। तो चलिए मेकअप रिमूव करके आप लोग से मिलती हूँ। कि आप लोग देख सकते हैं मैंने फेस को अच्छे से क्लीन करके फेस वॉश के बाद टोनिंग कर लिया है एंड आप इसके 3 to 5 drops अपने फेस पे ले विद द हेल्प ऑफ ये जो ड्रॉपर है, ड्रॉपर से अप्लाई करना काफी ही हैंडी हो जाता है। आप इसको फेस पे एंड नेक पे ऐसे ही थोड़े ड्रॉप्स लेके आप इसको अपने हैंड से विद द हेल्प ऑफ पाम आप इसको सर्कुलर मोशन में इस प्रोडक्ट को अपने फेस पे अप्लाई करें एंड जब तक ये एब्जॉर्ब ना हो जाए आप इसको थोड़े से बोल सकते अपवर्ड मोशन में सर्कुलर करते हुए इसको आप अपने फेस पे एब्जॉर्ब करवाएं एंड काफ़ी क्विकली ये एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है इसको एब्जॉर्ब होने में। एंड इसकी कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल नॉन ग्रीसी है, मतलब विदाउट किसी ऑयल के साथ है, जैसा मोस्ट प्रोबली सीरम की कंसिस्टेंसी होती है ना बिल्कुल रनिंग वाली वैसी है, तो काफ़ी गाढ़ी वाली नहीं है, तो जिसके कारण ये अगर जिनकी भी अगर ऑयली स्किन हो तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है कि ये ऑयलनेस के साथ नहीं है तो उनके फेस पे एक चिपचिपापन सा नहीं होएगा। ये जो सीरम है ये रोजहिप नियासिनामाइड एंड गोटुकोला के साथ है जो कि काफ़ी ईजिली क्विकली बोल सकते हो आपके स्किन में एब्जॉर्ब होने के साथ साथ इंटेंसली हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है।
तो आप देख सकते हो मैंने इसको फेस एंड नेक पे लगा लिया है एंड ये काफी ही जल्दी एब्जॉर्ब भी हो चुका है, काफी अच्छा है कि इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड अगर इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो ऐसे इसमें ऐसा कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, काफी ठीक ठाक माइल्ड वाला फ्रेग्रेंस है। एंड ये जो प्रोडक्ट है ये काफी ही अच्छा, मेरे को तो अच्छा लगा। एंड जब आप इसको अपने फेस पे अप्लाई कीजिएगा तो कोई सेंसेशन फील नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल है। तो जिनकी भी अगर बहुत सेंसिटिव स्किन हो तो ये उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। एंड इसको आप ऐसे सर्कुलर मोशन में थोड़ा अपवर्ड करके अप्लाई कीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप देख सकते हो इसका आपको दिख रहा होगा फेस पे अप्लाई करने के बाद कैसा मेरे स्किन पे आ रहा है, बिल्कुल मेरा स्किन जो है वो ग्लोई दिख रहा होगा आप लोगों को। साथ में आपको ये फील होगा कि जब आप इसको अप्लाई कीजिएगा ना आपके थोड़े से फेस टाइटनिंग लगेंगे, पोर्स टाइट लगेंगे आपको बिल्कुल से। तो काफ़ी अच्छा है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं ये वाले सीरम में, तो डेफिनेटली आप लोग इसको परचेज कर सकते हो। एंड आप देख रहे हो मेरे फेस पे थोड़ा शाइन ऐड हो चुका है एंड थोड़ा जान भी ऐड हो चुका है फेस पे। मामाअर्थ अभी काफी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं न्यूली, कुछ प्रोडक्ट्स तो मुझे वाकई बहुत ज्यादा पसंद आए हैं एंड कुछ मुझे नहीं पसंद आए हैं। तो जो नहीं पसंद आए उसके मैं उस अकॉर्डिंग ही रिव्यू भी शेयर की हूँ अपने चैनल पे, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज वो भी जाके देख सकते हैं। एंड मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी मैं मामाअर्थ के और भी अदर्स जो भी प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर की हूँ उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग एक बार जाके डिस्क्रिप्शन भी बिल्कुल चेक कर लीजिएगा। एंड अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर लीजिएगा, सो दैट अगर वो भी परचेस करने वाले हो तो उनके लिए हेल्पफुल हो जाए। बिकॉज न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, हर कोई चाहता है कि जब उनको पता चलता है कि न्यूली लॉन्च है तो कैसा है तो उसका रिव्यू वो लोग को भी जाने, एंड अगर उनकी स्किन टोन में ये वाली प्रॉब्लम हो तो वो लोग को भी हेल्पफुल हो जाए। एंड यस, अगर आप लोग ऐसे ही और भी डिफरेंट न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट्स का रिव्यू जानना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट जो भी मैं न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करूं तो आप लोग से वो मिस ना हो। एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। सो टिल देन, बाय बाय फ्रेंड्स।